हाय एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में, मतलब पर्टिकुलरली इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ऊपर हिंदी में कोई भी वीडियो बनाया हुआ है, ऐसा मेरे को मिला नहीं है। अगर आपको मिला हो तो मुझे कमेंट में लिंक सेंड करना, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हिंदी में बना रही हूँ, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली में नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा है और उसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। हाँ, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनको शॉर्ट में NPD बोला जाता है, और ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये किसी को भी हो सकता है, पर इंडिया में जनरली ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी मैन एंड वुमन बायोलॉजिकली किसी को बर्थ दे रहे हैं, अगर वो लोग बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपना बेटा या बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ऐसा माना जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने बर्थ दिया है किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। ऊपर से ऐसा होता है कि उनका नार्सिसिस्टिक सप्लाई का मेन सोर्स उनके बच्चे ही बन जाते हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अपने बच्चों का ही करते हैं, क्योंकि ये उनका मेंटल डिसऑर्डर है। एंड बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और कोई भी NPD पेरेंट्स के लिए ये बहुत इजी होता है कि वो अपने नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए अपने बच्चों का यूज़ एकदम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज़ सोसाइटी उनके ऊपर डाउट नहीं करती कि वो जो भी अब्यूज़ कर रहे हैं उसमें उनका इंटेंशन सही नहीं होगा, ऐसा उनके ऊपर डाउट नहीं होता है। इसके लिए वो अपने बच्चों का अपने नार्क सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जबकि एक बहुत ही रॉन्ग बिलीफ ये होता है कि कोई भी इंसान बाहर की दुनिया में बुरा होता है, बट अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, वो खाली बाहर की दुनिया में बुरा होता है। बट ये केस में जिनको NPD होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, वो बाहर की दुनिया में अच्छे हो सकते हैं, पर वो अपनी बेटी को अगर स्केपगोट बना के रखा हुआ है, तो वो अपने स्केपगोट बेटी के साथ सबसे ज़्यादा एविल होता है, सबसे ज़्यादा वैम्पायर की तरह बेटी का पूरा टाइम, एनर्जी, फेम, रेपुटेशन, सब कुछ वो सक कर लेता है। एंड बाहर की दुनिया में उनका अच्छा फेस दिखता है। तो ये जो कॉमन मीथ है कि कोई भी इंसान बाहर की दुनिया में बुरा हो सकता है पर अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं हो सकता, बट NPD पेरेंट्स के केस में ये बिल्कुल उल्टा होता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने एक बच्चे को गोल्डन चाइल्ड बना के रखते हैं और दूसरे बच्चे को स्केपगोट बना के रखते हैं। इसके अलावा डिटेल में भी इसके दूसरे टाइप्स भी है, वो आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स या नार्सिसिस्टिक फैमिली सर्च करके डिटेल में जान सकते हैं, बट मेनली ये दो टाइप्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो गोल्डन चाइल्ड बनाते हैं जिनको, वो उनके लिए डिसिप्लिन के रूल्स कम होते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं, तो ज़्यादातर फैमिली में जो मेल चाइल्ड होता है वो गोल्डन चाइल्ड होता है, उसके लिए डिसिप्लिन में बहुत सारी फ्रीडम होती है, उसके लिए बहुत सारे घर के जो भी कंट्रोलिंग रूल्स होता है वो कोई भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे अब देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं अभी जेंडर बायस हो रही हूँ, बट जनरली आप इंडिया की कोई भी स्ट्रीट में बाहर निकल लो, कोई भी रोड पे बाहर निकल लो, तो आपको ज़्यादातर 70 से 80%
लड़के ही घूमते हुए दिखाई देंगे, लड़कियां मुश्किल से बहुत कम एकदम फ्रीली घूमती हुई दिखाई देगी, बिकॉज़ घर के रूल्स पूरे अलग होते हैं। तो ये जो भी मेल चाइल्ड है उसके लिए पूरे अलग रूल्स होते हैं और फीमेल चाइल्ड के लिए पूरे अलग रूल्स होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एक बच्चा गोल्डन चाइल्ड है और दूसरा बच्चा स्केपगॉट है। और मेनली जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका कन्फर्मर चाइल्ड होता है उनको वो लोग गोल्डन चाइल्ड इजीली बनाते हैं। मतलब अगर जो बच्ची उनके पेरेंट्स के कोई भी गलत काम पे सवाल करेगी या फिर जिस जो इतना जल्दी सबमिसिव नहीं बनेगी, मतलब हर बात में लॉजिक करना एंड अपनी चॉइसेस और अपने ड्रीम के हिसाब से चलना, तो ऐसी बच्ची को वो लोग स्केपगोट बना देंगे। वो गोल्डन चाइल्ड नहीं बन पाएगी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की डाइस फंक्शनैलिटी को कंफर्म नहीं कर रही है।